हाय गाइस, दिस इज विष्णु शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ शर्मा फैब्रिक। जो आज हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। बहुत सारी क्वेरीज आती है, बहुत सारे हमारे ऑफलाइन कस्टमर्स भी आते हैं। वो बोलते हैं सर हम हैंडसम नहीं है, हम स्मार्ट नहीं है, हमारी शक्ल अच्छी नहीं है। तो उन लोगों के लिए आज ये वीडियो रहेगा। टॉप 5 टिप्स मैं दूंगा, स्टाइलिंग टिप्स रहेगा नॉर्मल। इन स्टाइलिंग टिप्स को आप फॉलो करेंगे नॉर्मल एकदम, तो आप लोग हैंडसम दिख सकते हैं, एट्रैक्टिव दिख सकते हैं। ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल हैंडसम लगेंगे, बिल्कुल एट्रैक्टिव लगेंगे। बहुत सारी क्वेरीज रहती है कि सर हम लोगों को, हम काले हैं, हम गोरे हैं, तो काला और गोरा से फर्क नहीं पड़ता सर। हम वो क्रीम लगा लेते हैं तो उससे हम गोरे हो जाएंगे, तो हम हैंडसम लग जाएंगे। तो वो सारी चीजें हैंडसम में काउंट नहीं होती है गाय। हैंडसम का मतलब ये है कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, आपका जो अपेरियंस है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, वो आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सामने वाले को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो ओवरऑल में हैंडसमनेस बोला गया है। मैनली हैंडसमनेस वो होती है। टॉप 5 टिप्स हम डिस्कस करेंगे, स्टाइल गाइड रहेगा, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहे। अब पहला जो टिप है हमारा, टिप नंबर 1, वो है सबसे पहले अगर आपको सुंदर दिखना है, हैंडसम दिखना है, तो आपको अपने हेयर्स पे काम करना पड़ेगा। आपका जो हेयर स्टाइल है, आपका जो बालों का कटिंग है, वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। अब देखिए, अब उसमें क्या करना है, टिप मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि आपका फेस जो है, आपका जो चेहरा है, ओवल शेप में है, डायमंड शेप में है, या ट्रायंगल शेप में है, ये आप आइडेंटिफाई करिए कि आपका चेहरा गोल है या ओवल में है, लंबा चेहरा है या पतला है, तो वो आप आइडेंटिफाई करें। उसके हिसाब से आप कटिंग डिसाइड कर सकते हैं। नेट पे अवेलेबल है बहुत सारे हेयर स्टाइल्स, तो वो सारी चीजें आप डिसाइड कर सकते हैं। नॉर्मल सा टिप ये देता हूँ, अगर आपका चेहरा पतला है तो आपका जो हेयर्स होने चाहिए वो डेंसिटी थोड़े लंबे हेयर्स में आप जा सकते हैं। चेहरा मोटा है तो आप ज्यादा हेयर्स रखेंगे तो वो आपको सूट नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से हेयर स्टाइल, आपका जो अपीरियंस है, आपका जो हैंडसमनेस है, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर का कंप्लीट हो गया है, हेयर स्टाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेयर स्टाइल पे आप ध्यान दो, अच्छा कटिंग यूज करो, अच्छा हेयर स्टाइल। ये नहीं कि गांधी कटिंग करा ली या पूरे साफ हो गए, बहुत बेकार लगता है। पूरा चेहरा और पूरा जो आपका अपीरियंस है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गई। सेकेंड जो अब आता है, सेकेंड होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है ड्रेसिंग सेंस। जी हाँ गाइस, ड्रेसिंग सेंस मतलब आपका स्टाइल कैसा होना चाहिए, जो आप कपड़े पहनते हैं वो प्रॉपर पहनने चाहिए, और वो आप लोगों को देखने पड़ेंगे कैसे। तो उसके लिए आपको देखो आपका बॉडी टाइप समझना पड़ेगा। अगर आप पतले हैं, स्किनी है, तो आपको स्लिम फिट कपड़े कभी भी नहीं पहनने हैं। जी हाँ गाइस, अगर स्लिम फिट पहनोगे तो पाइप जैसा फिटिंग लगेगा, हाथ तो अगरबत्ती लगेंगे, पैर मोमबत्ती लगेंगे, तो ऐसा नहीं। उसके लिए आप समझिए, अगर आप पतले हैं तो नॉर्मल जो रेगुलर फिट होता है हल्का सा ढीला पहन सकते हैं। ज्यादा ढीला बैगी क्लोथ भी नहीं पहने, नॉर्मल साइज में पहनो और हमेशा अच्छा फिटिंग का यूज करो, टेलर्ड फिट कपड़े पहनो, तो वो है। अगर सिमिलरली अब आप ज्यादा मोटे हैं तो ज्यादा मोटे हैं और फिर उसके बाद आप ढीले ढाले कपड़े पहन लोगे तो और मोटे लगोगे अगेन। तो ये ड्रेसिंग सेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। अब एक अगर आपका बॉडी टाइप है एथलेटिक बॉडी टाइप है, अगर आप जिम करते हैं या प्रॉपर बॉडी शेप में है, तो थोड़ा सा आप फिटिंग में स्लिम फिट कपड़े पहनेंगे तो आपका अपीयरेंस और भी अच्छा लगेगा। तो ये चीजें आप ड्रेसिंग सेंस स्टाइल गाइड में मैंने अदर्स वीडियो भी बना बना रखे हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। टॉप 2 टिप्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, हेयर स्टाइल। सेकेंड हमारा ड्रेसिंग। ड्रेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ड्रेसिंग पे आप ध्यान दीजिए, बॉडी टाइप अपना समझिए, तो उस हिसाब से आप ड्रेसिंग करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, तो ये आपका हैंडसमनेस को इंक्रीज करेगा। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, थर्ड पॉइंट आता है आपका बॉडी पोस्चर। जी हाँ गाइस, ये आपका जो बॉडी है, आप कैसे अपना बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप ऐसे झुके हुए चलेंगे, कंधे लटके हुए रहेंगे, तो आपका बॉडी एकदम से बिल्कुल खराब लगेगा, अगेन अट्रैक्टिव बॉडी नहीं लगेगा। बॉडी पे काम करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। एक्सरसाइज में ये नहीं कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ सब सारे लोग जिम जाओ और बॉडी बनाओ,
डंबल्स उठाओ वो एक्सरसाइज नहीं होती है, नॉर्मल रनिंग करिए, बॉडी शेप में रखिए, फिट रहिए, अच्छा बॉडी होना चाहिए, टमी अंदर होना चाहिए नॉर्मल, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हैंडसम दिखाने के लिए। तो इसका आप ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा बॉडी पे पोस्चर मेंटेन करिए, आपका चेस्ट थोड़ा सा आउट होना चाहिए, नॉर्मल भी अगर जब हम स्टैंड करते हैं चेस्ट आउट, शोल्डर वाइड वाइड शोल्डर दिखने चाहिए, और थोड़ा सा स्पेस लेके हम लोगों को चलना चाहिए कि हाँ हमारा एग्जिस्टेंस है इस स्पेस में, तो वो आप ध्यान रखें। बॉडी पोस्चर पे आप थोड़ा सा काम करिए, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बॉडी हो जाएगा, अपीयरेंस अच्छा हो जाएगा, अगेन आप हैंडसम लगेंगे। टॉप थ्री हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। फोर्थ आता है ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन। जी हाँ गाइस, ग्रूमिंग का मतलब क्या हो गया, जो आपने जैसे अगर आप बियर्ड रखते हैं तो बियर्ड को अच्छा सा पूरे से ट्रिम करके रखिए, ये नहीं कि बाल इधर लटक रहे हैं, बाल इधर जा रहे हैं, बकरे जैसी दाढ़ी हो रखी है, बियर्ड हो रखी है, मूछें आपकी जो मुस्टैक्स है उनको ट्रिम करिए, फेशियल हेयर्स जो होते हैं हमारा फेशियल हेयर्स को ट्रिम करके रखिए अच्छा सा, और अच्छा हाइजीन यूज करिए, हल्का सा ट्रिमर्स आजकल अवेलेबल है, ट्रिमर्स यूज करिए, और प्रॉपर अच्छे से जो हमारा मुस्टैक्स एंड बियर्ड है उसको आप ट्रिम करके रखिए। ग्रूमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आपके बाल यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये अच्छा नहीं है, आपके बाल इधर भी आ रहे हैं इधर भी आ रहे हैं, तो उन सारी चीजों को कट करके रखो और बहुत ही अच्छा रहेगा, तो ग्रूमिंग ये हो गया। अगेन अब पर्सनल जो हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन में आ जाता है कि ओवरऑल आप कितना क्लीन रहते हैं, कितना साफ सुथरा रहते हैं, आपके नाखून लंबे तो नहीं हो रहे, नाखून में आपके डार्क तो नहीं पड़ रहे, नॉर्मल नेल्स रखिए कट करके, वो पर्सनल हाइजीन में हो गया। और भी जो बॉडी हेयर्स हैं हमारे उनको भी हम ट्रिम कर सकते हैं, ग्रूम करके रख सकते हैं, ओवरऑल साफ सुथरा रहे, अच्छे से रहे, अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करें, ये नहीं है कि मेरी शक्ल ही खराब है, मैं तो बचपन से ही अगली हूँ, बचपन से बदसूरत हूँ तो मैं सुंदर नहीं दिख सकता। गाइस ऐसा नहीं है, इस दुनिया में कोई भी बदसूरत नहीं होता है, जस्ट आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है, आपका जो अपीयरेंस है ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा और आप अट्रैक्टिव लगेंगे, लोग भी आपसे अट्रैक्ट होंगे। टॉप फोर मैंने आप लोगों को टिप्स बता दिए है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को सारी चीजें अच्छी लग रही होगी। अब जो लास्ट वाला है टॉप फाइव, जो फिफ्थ एडवाइस है, देखो मोस्ट कॉमन है पर वो हमेशा ऑलवेज यूज करना चाहिए, फिफ्थ है कि आपका बॉडी फ्रेग्रेंस, मतलब हमेशा आपका जो बॉडी है ये नहीं कि पसीने की बदबू आ रही है, आपके पास से कोई गुजर रहा है तो वो नहीं करना है, अच्छा सा परफ्यूम या अच्छा सा डीओ आप यूज करें, बॉडी फ्रेग्रेंस आपका बॉडी कैसा है, पुराने ज्यादा कपड़े ना पहने, तीन दिन पुराने कपड़े हम एक ही कपड़े को रोजाना पहन रहे हैं, गर्मियां चल रही है, स्वेटिंग आ रही है, वही पसीना आ रहा है, जहां से भी आप गुजर रहे हैं तो बदबू आ रही है, तो वो नहीं करना है गाइस, अच्छा सा नॉर्मल परफ्यूम यूज करो ऑलवेज, ज्यादा तड़कता भड़कता परफ्यूम भी यूज नहीं करना है, कोई इत्र यूज कर लेता है, कोई क्या कर लेता है, वो नहीं करना है, नॉर्मल बहुत ही अच्छे फ्रेग्रेंस अवेलेबल है मार्केट में, तो वो परफ्यूम यूज करिए। तो ये सारी चीजें टॉप फिफ्थ मैंने बता दी, ये अगर टॉप फाइव चीजें आप लोग यूज करोगे और फॉलो करोगे 100% रिजल्ट आएगा, 15 दिन में आएगा, 30 दिन में भी आ जाएगा, हो सक्ता है अगर 5 दिन में भी रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें इंस्टेंट है, जस्ट आपको एक अच्छी हेयर स्टाइल चाहिए, बॉडी का पोस्चर ठीक करो, एक्सरसाइज करो और अच्छा सा ड्रेसिंग पहनो, अच्छा कॉम्बिनेशन पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, साफ सुथरा रहो, हेयर्स जो भी हमारे बॉडी हेयर्स हैं उनको ट्रिम करके रखो, स्पेशली जो फेशियल हेयर्स हैं बियर्ड एंड मुस्टैक्स उनको ठीक करके रखो, तो ये सारी चीजें जब आप फॉलो करोगे बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा आप लोगों में, और आप लोग सभी देखेंगे कि हाँ हमने ये सारी चीजें फॉलो करी है, तो एक्चुअली आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगेंगे और लोग आपको अपने आप ही आके बोलेंगे कि हाँ यार तू अच्छा लगने लगा है। तो आई होप लास्ट में कि ये वीडियो आप लोगों को सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस रहते हैं हमारे चैनल पे, और भी जो भी ड्रेसिंग स्टाइल्स और ड्रेसिंग टिप्स होती है, फैब्रिक के बारे में भी हम लोग आप लोगों को बताते हैं, ओवरऑल कंप्लीट पैकेज रहता है, तो अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप हमारे से जुड़े हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड लास्ट में थैंक यू एंड ये सारी टिप्स फॉलो करके